हवाए मधु दिए ले जा
इस माह मुकद्दस का पहला दिन भी जुमे की शक्ल में और इस माह मुकद्दस का आखिरी दिन भी जुमतुल मुबारक की शक्ल में हमें अता फरमाया। मैं दुआ करूं कि अल्लाह ताला इन बाबरकत गलियों के सबके तमाम अहल इस्लाम पर इस जुमे की बरकतें अल्लाह ताला निशावर फरमाए। हमारे पहले जुमे के खुतबे का उन्वान रोजे का हकीकी मकसद तक्वा, यानी अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ईमान का हिसाब किताब है, उसको बुलाओ। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं कि जिस तरह पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये रोजे का मकसद है और इसी मकसद को मैंने पहले जुमे के खुतबे में बड़ी तफसील के साथ हाईलाइट कर दिया था। और आज जुमे का जो आखिरी खुतबा है रमजान का, उसका उन्वान भी तकवा है, लेकिन इसके दो मुख्तलिफ एंगल हैं, दो मुख्तलिफ पहलू हैं, इसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं। उसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तकवे का पहलू वो है कि जिसका ताल्लुक हकुकुल्ला के साथ है, और एक तकवे का पहलू वो है कि जिसका ताल्लुक हकुकुल इबाद के साथ है। एक हकुकुल्ला का ताल्लुक वो है जो हकुकुल्ला से है तकवे का, और एक का ताल्लुक हकुकुल इबाद से। रमजान का जो पहला जुमा था, क्या बात पर गए रहे बोलते की समझ में उन्होंने रुको एक रात को बस बैठे किया, उसका ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ था, और जिसने रोजे के इन मामलों में अल्लाह के साथ तकवे वाला मामला इख्तियार किया, उसका हर अमल उसके लिए नूर भी बनता रहा, उसका हर अमल उसके लिए बरकत भी बनता रहा, और उसका हर अमल उसके ईमान को तरक्की भी देता रहा। अब आज जब जुमतुल विदा है और अल्लाह ताला ने फिर यह करम किया कि आखिरी दिन जुमे का हमें अता फरमा दिया, जब ये जुमे की शाम होगी, हम अपने मामलात में जो है मसरूफ होने के लिए जब इस निजाम से बाहर माशरे में जाएंगे, वहां पे हमारा ताल्लुक अल्लाह की मखलूक से होगा। हमारे बहुत सारे मामलात जो पूरे महीने से ठप पड़े थे, लोगों के साथ डीलर का मामला है, लोगों के साथ ताल्लुकात है, रिश्तेदारियां है, जब हम वो निभाने के लिए निकलेंगे तो हमारे लिए जरूरी होगा कि हम वहां पर भी तकवे का मामला इख्तियार करें। और वो कितना जरूरी होगा, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो, हक्का पुकारते ही ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है, और अल्लाह से डरते डरते इस तरह जिंदगी गुजारो जब तुम्हें मौत आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस हाल में अल्लाह की
बच्चे के तुल इस्लाम में हो। अब हम जब देखते हैं माशरे में बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं कि जहां पर हमारा जो ताल्लुक है वो इस वजह से बिगाड़ का शिकार हो जाता है कि मामला में हम अल्लाह का तकवा इख्तियार नहीं कर पाते। और वो कितना जरूरी है, बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। बल्कि रमजान शरीफ का यह महीना जो हमने इबादत में गुजारा, इसका तकवा मामलात में नजर आना चाहिए। अगर हम मामलात में वो नजर नहीं दिखाएंगे तो फिर आप यूं समझे कि रमजान का महीना सिवाय भूखा प्यासा रहने के हमारे लिए कुछ भी साबित नहीं हो। हमारे मामलात में तकवे का जो मामला है वो बड़ा ही काबिले अफसोस है। मामला में वहां पर हम अल्लाह से नहीं डरते, इसलिए फिर तकवे की राह में हमारा मामला रुकावट हो जाता है। एक हमारे सलसलीन का तकवा था जिसको देखकर लोग इस्लाम में दाखिल होते थे, और एक हमारा तकवा होता है कि लोग इस्लाम से निकलते हैं। इस्लाम से कितना बड़ा डिफरेंस है, यानी हमारा तकवा वो इस्लाम से दूर कर रहा है लोगों को, और पिछड़ों का तकवा यह था कि देखते और मुसलमान हो जाते। हजरत इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप जा रहे थे, बारिश का मौसम था तो आपके जूतों के साथ जो कीचड़ लगा हुआ था ना, वो जाते जाते एक शख्स के मकान की दीवार पे लग गया कीचड़। मकान की एक कार इमरान कितने गए, हाँ जी उन्होंने फोन कर उसको बल्ला बोल रहा था। बड़ी तवज्जो तलब बात है, बहुत कीजिए, मैं माजरा चाहता हूं। इमाम अबू हनीफा जा रहे थे तो वो जो कीचड़ था आपके पांव से लगा और एक बंदे के मकान की दीवार पे लग गया। जब वो दीवार पे लगा ना तो हजरत इमाम अबू हनीफा इंतहाई परेशान हुए कि मेरे पैरों से लगा हुआ कीचड़ उस शख्स की दीवार पे लग गया और उसकी दीवार को बदनुमा कर दिया। उस दौर की दीवारें कच्ची दीवारें मिट्टी की बनी हुई है, कोई टैल पत्थर भी नहीं लगा हुआ, आज का जदीद दौर भी नहीं है मकानों का। उस दौर की बात, जब वो कीचड़ लगा ना परेशान हुए कि इसके मकान की दीवार के साथ मेरी वजह से ये जो बदनुमा दाग लगा है, अगर इस मकान वाले ने मुझे माफ ना किया तो शायद अल्लाह भी मुझे माफ ना करे। तकवे का आलम देखे, दरवाजा खटखट आया, मुलाजमा निकली, जानती थी कि इमाम अबू हनीफा, पूछा कैसे आना हुआ, कहा मालिक को भेजो। उसने जाके बताया कि बाहर इमाम अबू हनीफा है, वो मालिक के मकान डर के मारे बाहर नहीं आ रहा कि उसने इमाम अबू हनीफा के पैसे देने थे, वो डर के मारे पड़ा है कि इमाम अबू हनीफा बाहर मुझसे कर्ज लेने आए हैं। उस मालिक की बात जब मुलाजमा ने बताई तो आपने ये समझा कि शायद वो कर्ज की वजह से नहीं आ रहा, आपने उसको कहा कि जाओ बताओ, बड़ा अहम मामला है मेरा, मैं कोई कर्ज वगैरह के सिलसिले में नहीं आया, कोई लेन देन के मामले में नहीं आया, बड़ा एक अहम मसला है जो मैंने उसके साथ हल करना है। वो ना चाहते हुए बाहर आया, इमाम अबू हनीफा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अर्ज करते हैं ऐ मालिक मकान, मेरे पैरों के साथ लगा हुआ कीचड़ वो आपकी दीवार पर लग गया, आपके मकान की दीवार को बदनुमा बना दिया, अगर मैं इसको उतारता हूं तो तेरी दीवार की मिट्टी उतरती है और नहीं उतारता तो तेरी दीवार बदबू नजर आती है, मैंने बेहतर समझा कि तुझसे माफी मांग लूं कि ये मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना। उसने जब देखा तो वह हजरत इमाम अबू हनीफा के आगे हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा हजरत इसमें तो कोई गलती वाला मामला नहीं है, ये तो अचानक रास्ते में जाते हुए हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने कहा हाँ हाँ तेरे नजदीक ये कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा तकवा इजाजत नहीं दे रहा था कि अगर तू
किया तो शायद मेरा रब भी मुझे माफ नहीं करेगा, इसलिए मैंने माफी मांगना जरूरी समझा। उस गैर मुस्लिम ने, मजूसी ने जब देखा कि वक्त के इमाम अबू हनीफा के तकवे का ये आलम है, वो कहते हैं हजूर बाकी बातें बाद में करेंगे, मैं गवाही देता हूं जिस नबी के दीन का दर्श देते हो वो नबी भी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है, आगे बाद में जाना, पहले मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ाना। ये एक तकवा था जिसको देखकर लोग मुसलमान होते थे। और आज गैर मुस्लिम आपसे सवाल करते, 2013 का एक मैगजीन इराक जंग के दौरान एक अमरीकी फौजी जो है वो मुसलमान से मुकालमा करता बड़ी डिटेल से, तो जब वो मुसलमान फौजी उसको इस्लाम की दावत देता है गैर मुस्लिम फौजी को, तो वो गैर मुस्लिम फौजी कहता है कि मैं क्यों मुसलमान, तुम्हारी शरीयत में 5 नमाजें हैं वो तुम भी नहीं पढ़ते, तुम्हारी शरीयत में शराब हराम है मैं देखता हूँ हमारे साथ वो पीते हो, तुम्हारी शरीयत में ये हुक्म है तुम करते एक भी नजर नहीं आते, तो फिर तेरे और मेरे दरमियान फर्क क्या, मैं किस गुनाह पर मुसलमान। इसलिए वो तकवा जो हमारा मामलात के लिए है वो बड़ा काबिले गौर है, और ये आज पैगाम लेके जाना है कि हमने अपने मामलात को किस तरह सुधारना है। क्यों नहीं रोजों का नूर हमारे दिलों में घर करता, क्यों नहीं रोजों की बरकतें हमारे बातिन का हिस्सा बनती, क्यों नहीं मगफरत अताए सखाते हमारे हाल पे क्यों नहीं रहम करती। पूरी मुस्लिम दुनिया जो जवाल का शिकार है, पसपाई का शिकार है, वजह हालांकि अल्लाह का वादा है कि तुम मेरे बनते हो मैं रब तुम्हारे साथ होने का ऐलान करता हूं, हर वक्त अल्लाह की मदद बंदे मोमिन के साथ होती है, अगर नहीं आ रही तो वजह यह है कि हमारा मामला किसी न किसी जगह फायदे में बदला है, खराबी का शिकार। हजरत इमाम इब्ने सीरीन ये ख्वाबों की ताबीर के इमाम है, 40,000 दिरहम के बदले में आपने जैतून का तेल खरीदा, 40,000 दिरहम बड़ी रकम है इस दौर में, करोड़ों रुपए की रकम, करोड़ों रुपए का तेल खरीदा, जब घर लाए तो इत्तेफाक ये हुआ कि उसमें ना एक चूहा गिर के मर गया। अब करोड़ों का तेल है, आप सोच रहे हैं कि अगर सिर्फ चूहा निकालता हूं तो ये नापाक तेल रसूलुल्लाह की उम्मत इस्तेमाल करेगी और इसका दैन मुझे देना पड़ेगा, इसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा, और अगर इसको जाय करता हूं तो करोड़ों का नुकसान होता है। अब फैसला नहीं हो रहा, मशवरा देने वाले ये कह रहे कि बस चूहा निकाल लो, मशवरा देने वाले कह रहे कि थोड़ा सा गिरा दो और बाकी बेच दो, लेकिन इमाम इब्ने सीरीन है कि दिल नहीं मान रहा, यहां चंद टक्कों की खातिर अगर मैंने अपने ईमान का सौदा कर दिया कल मैं रब और उसके रसूल को क्या वो दिखाऊंगा। आपने फरमाया ये सारा करोड़ों का नुकसान करना मुझे कबूल है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बारगाह के आगे शर्मिंदा होना कबूल है। और आज का अगर मामला अगर हम देखें, ठीक है, एक छापड़ी फिरोज से लेकर ऊपर तक हर बंदा करप्शन में मुलव्वस है, हर बंदा खयानत में मुब्तला है, दूसरे को धोखा देने में मुब्तला है, दूसरे के साथ फ्रॉड करने में मुब्तला है, हलाल को हराम और हराम को हलाल करने के दरगाह है, और फिर हम ख्वाहिश ये करते हैं कि भाई हम पे मतलब सलवा उतरा करें, ख्वाहिश ये करते हैं कि भाई बस दुआ मांगे अभी हाथ नीचे ना आए कबूल हो जाए, नहीं भाई हम अपने मामला को देखें, जब हमारे मामला दुरुस्त थे तो सुनो फिर अल्लाह का कर्म किस तरह होता था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कौन नहीं जानता, तीन बड़े आजमों का हुक्मरान, तीन बड़े आजमों का हुक्मरान, और तारीख ने उमर बिन अब्दुल अजीज को खुलफाए राशिदीन में शामिल किया, तीन बड़े आजमों का हुक्मरान एक ही वक्त में एशिया पे भी हुक्मरानी, उसी वक्त में यूरोप पे भी हुक्मरानी, उसी वक्त में अफ्रीका पे भी हुक्मरानी, तीन बड़े आजमों का हुक्मरान। और घर का हाल यह है कि ईद करीब है तो बीवी कहती है
उमर बिन अब्दुल अजीज, ईद आने वाली है, बच्चों के ईद के कपड़े नहीं है। वह फरमाते हैं क्या हुआ अगर कपड़े नहीं है, मेरा तो इस महीने का बजट खर्च हो गया, बच्चों के कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है। तीन मर्यादों को हुक्मरान है, अगर चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन बीवी को कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं है। और यही वो दिन थे कसम खुशी के जब आपने एक दिन बेटी को बुलाया कि बेटी मुझे पानी ला दो, तो बेटी काफी देर तक ना आई। आप नाराज हुए कि कब से बेटी को पानी का अभी तक नहीं आया। मां ने बताया उमर बिन अब्दुल अजीज आपकी बेटी के कपड़े फटे थे, वो दरवाजा बंद करके पहले कपड़ों को पहले लगा रही है, इसलिए आप तक पानी पहुंचाने में जो तखीर का शिकार हुई। तो आपने जब अपनी बीवी को कहा ना कि बजट नहीं है, वो कहने लगी कि आप बैतुल माल से ले लें, बैतुल माल से एडवांस ले लें, लेकिन बच्चों के कपड़े जरूर लाओ। आप बैतुल माल के खजानची के पास जाते हैं, ये कोई आजकल की सियासत नहीं थी, ये कोई आजकल का धोखा फराद नहीं था, वो प्योर हुक्मरान थे जो लोगों के लिए रोल मॉडल थे। बैतुल माल के खजानची के पास गए और कहा मैंने बच्चों के कपड़े लेने हैं, घर में पैसे नहीं है, आप मुझे एक महीने की तनख्वाह एडवांस दे दे, पहले दे दे, और जब वो वक्त आए तो तनख्वाह काट लेना, मैं बच्चों के कपड़े ले लूं। वो जो खजानची था, खजानची वो भी उनके दौर का था। वो कैसा दौर था कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। वो दौर था कि जब यतीम के बच्चे नए कपड़े पहन के ईद मनाते थे। वो दौर था कि जब खुशहाली थी हर तरफ, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, देने वाले उठा के फिरते थे तो ज़कात ले ले। तो वो खजानची उस दौर का बैतुल माल का कहता है आए उमर बिन अब्दुल अजीज मुझे गारंटी दे दो कि अगले महीने तक जिंदा रहोगे तो तुम्हें दे देता हूं। कहा मुझे गारंटी दे दो, है गारंटी तुम्हारे पास कि अगले महीने इस देर तक जिंदा रहोगे? आपने कहा इस चीज की गारंटी तू तो महीने की बात करते हुए एक दिन की नहीं दे सकता। तो उसने कहा मैं भी फिर माजरा चाहता हूं। आप घर पलटे, बेगम को बताया कि मेरे बच्चों को नहलाओ, इनके लिए मैं अपनी आखिरत दांव पे नहीं लगा सकता, इनके लिए मैं अल्लाह रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, ये पुराने कपड़ों में ईद मना ले वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपनी आखिरत को दांव पे लगा के एक महीना कबल अपनी तनख्वाह नहीं दे सकता। आ मेरा दोस्त जरा तवज्जो के नाम समान कर, फिर यही उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्होंने तकवे दए आलम के हुक्मरान होने का बावजूद जनाब एडवांस तनख्वाह नहीं ले रहे, यही उमर बिन अब्दुल अजीज जितो मां दा बेला करीब आया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वसीयत फरमाई, आपने फरमाया ऐ मेरा हुसन कफन ते दफन दा इंतजाम करन वाले मुसलमानों, मैं वक्त दा हुक्मरान वसीयत कर चले आज, मैं बड़े बड़े हुक्मरान दे जनाजे पड़े ने, बड़े बड़े हुक्मरान नु दफनाया है, बड़े बड़े हुक्मरान दे हुसन के अंदर शरीक होया मां, कई हुक्मरान में देखे कि जिनो कब्र के अंदर उन्हें नामों की बलेबल करके रख दिता गया है, अच्छे बंदे कपारी चो निकले नहीं, रब की नाराजगी ऐसी हुई है कि अल्लाह ने किबले वल तो मुंह फेर दिता, किबले ने मुंह फेर दी। उमर बिन अब्दुल अजीज वसीयत करते ने कि जब मैं मर जावा मेरी कब्र दे उते इतनी देर तक इंतजार करना जितने तक जनाब मेरी हुक्मरानी मेरी ईमानदारी मेरी सच्चाई की कोई दलील अल्लाह वल्ले नाजिल ना हो जाए। आपने जिदो वसीयत फरमाई आपकी कब्र तैयार हो गई, जनाजा पढ़ लिया गया, सारे मुसलमान इंतजार के अंदर ने, आपकी वसीयत के मुताबिक इंतजार किया जाए, लहद के अंदर आप उतारा नहीं जा रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद हवा के बीच एक लहर का रुका आया, और रुका हजरत
अचानक कोई मामला बने के इनको जो है शाम से हिजरत करना पड़ गई।
जब ये शाम से हिजरत करके अपने शहर मरवा पहुंचे, सैकड़ों मील दूर, कोई ऑरेंज ट्रेन का सफर नहीं, कोई मेट्रो का सफर नहीं, कोई बस नहीं, कार नहीं, एयरलाइन नहीं, पैदल घोड़ों और ऊंटों का सफर। ये शाम से मरवा पहुंचे, वहां पे जाके जब सामान चेक किया तो वहां पर वो कलम मौजूद था जो आपने किसी से लेके हदीस लिखी थी। आपके दिल में अचानक ख्याल आया, ये कलम तो फला शख्स का है और मैंने तो लाने की इजाजत भी नहीं ली थी और ये कलम यहां पे आ गया। आप फौरन ऊंट पे सवार हुए, मरवा से फिर शाम में जाकर पहुंचे और उसको जाके कलम वापस किया कि यहां पर ये तकलीफ करना मुझे बर्दाश्त है, लेकिन कयामत के दिन रब रसूल के आगे तकलीफ बर्दाश्त नहीं। ये मामला का मामला है, उसमें हमने कितना तक इख्तियार कर। हुजूर का मामला देखे, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जनाजा लाया गया, हुजूर ने फरमाया हल अलैया दैन, फरमाया इस पे कर्ज है। सहाबा ने अर्ज किया जी या रसूलल्लाह इस पे कर्ज है। आका ने फरमाया सल्लु सल्लु सहाबी को, फरमाया तुम इसकी नमाज जनाजा पढ़ो, अगर इस पे कर्ज है और कर्ज लेके मर रहा है तो मैं मोहम्मद इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता। हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। फिर एक से आप ही खड़े हो, अर्ज करते हैं यार सुनना, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाए, इसने जितना कर्ज देना है इसका कोई वारिस है या नहीं है, कोई और इसका दे या ना दे, या रसूल अल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि इसका कर्ज मैं उतारूंगा। आपका ने फिर ये जमानत देने वाले को सहाबा के सामने खड़ा किया, हुजूर ने फरमाया सबके सामने फिर ऐलान करो इसका कर्ज अदा करोगे। उस सहाबी ने फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं जरूर अदा करूंगा। आपका ने फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। अब ये क्यों इतना सख्त मामला था? इसका ताल्लुक मामलात के साथ, और उसमें अगर तकवा इख्तियार ना किया जाए तो हमारी आखिरत की परेशानी का फैसला होता है। बाज़ुकात हम लोग अल्लाह की रहमत और बरकत के बड़े करीब पहुंच चुके होते हैं, अचानक शैतान के पंजे में फंसने की वजह से उस बरकत और रहमत से मालूम हो जाते हैं। ये रमजान का महीना, इसमें आपने जो भी इबादत की, इस इबादत ने लाख गुना ज्यादा दर्जा हासिल करके आपको आपके रब के करीब कर दिया, रब के करीब कर दिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि हमने उसको संभालना कैसे, उसको हमने अपने वजूद में रखना कैसे। और अगर हमारा हाथ यही हुआ कि चांद रात आने की देर है और फिर उसके बाद हलाल हराम के सब रिश्ते खत्म हो जाए और तमाम हदें क्रॉस हो जाए और तमाम इज्जत एहतराम के मामलों को पसे पुष्ट डाल दिया जाए, तो फिर वो बरकतें हमसे उठ जाती। और ये मेहमान महीना, इसको ऐसे अलविदा करो, ऐसे रुखसत करो, इसके साथ ऐसा वादा करो कि ये रमजान का महीना नाम ले लेकर बताए, बारी ताला मैं गवाही देता हूं फला बिन फला ने मेरी बड़ी इज्जत की है, मैं गवाही देता हूं फुलां ने मेरा बड़ा मान रखा है, मैं गवाही देता हूं फुलां ने मेरे साथ बड़ा अच्छा वादा किया है, या अल्लाह मैं सिफारिश करता हूं इसके लिए बख्शिश का ऐलान फरमा दो। इस अब देखिए जिस तरह आम जिंदगी में हमारे घरों में मेहमान आते हैं, हमारी क्या कोशिश होती है कि आने वाला मेहमान उसके लिए बैठने का अच्छा बंदोबस्त हो, उसके लिए खाने पीने का, मिलने मिलाने का, फर्स्ट एड सारे मामला अच्छे होंगे। ये जब यहां से बाहर जाए तो हमारी फैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में, लोगों ने ये बताया कि यार वो बड़े अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे मेहमान नवाज थे, उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की है, मेरी बड़ी कदर की, या ना दुनिया के मामला थे। तो ये रमजान का महीना भी मेहमान होता है और ये मेहमान पलट के रब के पास पहुंचता है। अब आप पे डिपेंड है, मुझ पे डिपेंड है कि हम इसकी इज्जत किस तरह करके इसको भेज रहे हैं। अगर हम रमजान के मकसद तकवा को हकूकुल्ला के मामलात में, हकूकुल इबाद के मामलात में, अखलाकियात में, माशरत में, हुस्ने जिंदगी में, अगर हम अल्लाह से वादा कर लेंगे या अल्लाह जो तेरे रमजान ने हमें दर्स दिया, पैगाम दिया, या अल्लाह उसको हम अपनी जिंदगी पर अप्लाई करेंगे, अपने मामलात को सुधारेंगे, अच्छा करेंगे, इनको ऐसा बनाएंगे कि गैर मुस्लिम भी देख के हमारे करीब हो जाए। और अगर हमने चांद रात देखने के बाद फौरन अपना रवैया इस तरह बना लिया, नमाज की परवाह नहीं, हलाल हराम की परवाह नहीं, बड़े छोटे का हया और शर्म का एहसास नहीं, आपस में हुस्ने सलूक सिला रहमी,
आपस में अच्छे अखलाक का हमें एहसास नहीं है, तो फिर यकीन करें कि हमारा रोजा सिवाय भूखा प्यासा रहने के हमारे लिए कुछ भी साबित नहीं है। और अगर हम रख लेते हैं तो इसमें कोई अल्लाह की शान बढ़ नहीं जाती, छोड़ देते हैं तो अल्लाह कम नहीं हो जाता। भाई यही तो आजमाइश है, यही तो इम्तिहान है। अगर हमने इसको रूटीन का दिन रात समझ के करना है, वो तो पहले भी हो रहा है। तो इसलिए रमजान का जो हकीकी मकसद तकवा है, इब्तदा में भी तकवे के हवाले से मैंने अर्ज किया था, आज एंड भी इसी तकवे पे मैंने किया, लेकिन फर्क ये है कि वो तकवा हुकूकुल्लाह से रिलेटेड था और ये तकवा हुकूकुल इबाद से रिलेटेड है, मामलात से रिलेटेड है। अपने रवैयों पे नजर सानी करें, अपने तौर तरीकों पे नजर सानी करें। इतनी परेशानियां है नहीं जितनी परेशानियां हमने खुद बना रखी है, हमने अपने आप को खुद मुश्किल हाथ में जो है वो जकड़ के रखा हुआ है। वरना बंदा मुसलमान हो, कलमा गो हो, नबी का उम्मती हो, अल्लाह रसूल को मानने वाला हो, उसके लिए अल्लाह वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह फरमाते हैं तो मुना लो लेकुन तुम मोमिनीन, भाई तुम दुनिया में बड़े हो, बुलंद हो, शर्त यह है कि मोमिन बन के तो रहो। एक वो सहाबा थे, उनके ईमान और तकवे का ये आलम था, इधर दुआ करते थे और उधर अल्लाह ताला जो है उनकी दुआओं को कबूल करके जमाने में उनको बुलंद कर देता था। अल्लाह के